नमस्कार दोस्त, आज मैं अपना गाय को दिखाऊंगा कि गांव में गाय को कैसे रखा जाता है दोस्तों, और गाय रखने से क्या क्या फ़ायदा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्त देख सकते हैं, और मेरे पीछे मेरा ये गाय है, और ये दो गाय है, और ये गोली वाला जो गाय देख रहे हैं ये 5-6 दिन के अंदर में बच्चा देने वाला है दोस्तों, और ये जो फुटरी है ये 1 महीना के अंदर में भी बच्चा दे देगा। तो दोनों गाय मेरा खा रहा है, और देखिए किस तरह लड़ रहा है भी दोनों, और गाय को क्या खिलाते हैं दोस्त वो भी दिखा रहा हूँ, और गाय को ये छोटा छोटा जो हम कुट्टी करते हैं क्या चीज़ से करते हैं वो भी चीज़ दिखाऊँगा दोस्तों, बस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्त हम गाय को भूसा और जय देखिए ये वाला है यही खिलाते हैं हम अपने गाय को, मिला के देते हैं और गाय भी खाती भी है, और इनको छोटा छोटा क्या चीज़ से करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो छोटा सा देख रहे हैं जो कि इसको हम हसुआ बोलते हैं, और इसी हसुआ से हम इस कुट्टी को छोटा छोटा करते हैं। तो दोस्तों और गाय रखने का फ़ायदा क्या है तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। गाय की गोबर से जो जलावन होता है, खेत में खाद भी डाले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये गोबर है, और इस गोबर को चिपड़ी यानी मेरा मम्मी इनको बनाया है, और ये सूख गया है, अब इसको हम जला भी सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से बनाया है दोस्तों, और इसको हम जला भी सकते हैं, और ये गाय की गोबर का जो है बनाया हुआ है दोस्तों। शहर में तो आजकल लोग गैस पर खाना खाता है, और गैस की तरह ही लोग अपना जीवन को भी बिता रहा है दोस्तों, और ये हम लोग इसी से खाना बनाते हैं। और दोस्तों ये भी गाय के गोबर से ही बनाया गया है, और ये मेरी मम्मी देखिए किस तरह से बनाया है दोस्तों, ये सूख भी गया है थोड़ा सा, अभी नहीं सूखा है, थोड़ा बहुत इसमें रौदा धूप लगेगा तो फिर सूख जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं, और ये मेरी मम्मी बहुत अच्छी से बनाया है, और सूख भी गया है दोस्तों। और ये जो पत्ता आप देख रहे हैं ये पत्ता खैनी का है, जो मेरा पिताजी लगाया है, खैनी खाता है, देख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अब वीडियो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो सब दोस्त अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी गाय पोसते हैं तो एक शेयर गाय के लिए ज़रूर कीजिए।